हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं मीनाक्षी एक बार फिर से आपके सामने अपने अगले वीडियो के साथ प्रेजेंट हुई हूँ। तो चलिए, सेशन को शुरू करने से पहले फटाफट से बताइए आप सभी लोग कैसे हैं। आई होप यू आर हैप्पी एंड हेल्दी। तो चलिए, इसी के साथ मैं बताती हूँ आज इस सेशन में मैं किस बारे में डिस्कस करूंगी, आपको जानकारियाँ दूंगी। आज का सेशन भी ओल्डर चिल्ड्रन ड्यूरिंग लेट चाइल्डहुड पीरियड के बारे में ही है। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने लेट चाइल्डहुड पीरियड में फैमिली रिलेशनशिप्स के बारे में कुछ बातें की थी कि बच्चे और उनके फैमिली मेंबर्स के साथ कैसा रिलेशनशिप डेवलप होता है या क्या चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं, आइदर इट विल बी पॉजिटिव और निगेटिव। तो आज उसी संदर्भ में थोड़ी और बातें हम आगे बढ़ाएंगे। तो और दूसरी बातें हमने ये सब भी की थी कि कुछ ऐसे कंडीशंस रिस्पॉन्सिबल होते हैं जिससे कि फैमिली रिलेशनशिप में डिटेरिएशन देखने को मिलता है, गिरावट देखने को और चेंजेस देखने को मिलती है। इन सभी जानकारियों के बाद अब हम चलिए आज के सेशन में बात करेंगे कि व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ फैमिली रिलेशनशिप्स इन लेट चाइल्डहुड। जब फैमिली रिलेशनशिप के क्या इफेक्ट्स पड़ते हैं, खास करके बच्चों के ऊपर उसका क्या इफेक्ट पड़ता है, असर पड़ता है, आज इस सेशन में हम उसकी जानकारी लेंगे। तो आई होप दैट विल बी रिमेन इन द सेशन टिल द एंड टू गेट द होल इन्फॉर्मेशन, एंड आई विल मेक यू श्योर दैट विल गेट द गुड इन्फॉर्मेशन एंड इट्स वेरी हेल्पफुल फॉर यू। सो प्लीज बी इन द सेशन टिल द एंड। एंड वन थिंग मोर, इफ यू हैवंट सब्सक्राइब माई चैनल till yet, please subscribe it to get these kind of knowledgeable and helpful videos later on also, and I am very happy to be contacted with you easily. So let us begin with the session. अगर हम effects की बात करते हैं तो it is the far reaching effects of older children's relationship with their families and it is apparent in many areas of their lives. तो ये जो है ओल्डर चिल्ड्रन के रिलेशनशिप जो उनकी फैमिलीज के साथ होता है, वहाँ पे हम ये इस तरह के इफेक्ट्स को बहुत ही आसानी से देख सकते हैं जो कि बच्चे के डिफरेंट एरियाज एंड सेवरल एरियाज और लाइफ में रिसेंबल होता है, दिखाई पड़ता है। और चलिए आज कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट इफेक्ट्स के बारे में बात करें। आज टोटल हम 8 इफेक्ट्स के बारे में बात करेंगे जो कि फैमिली रिलेशनशिप में देखने को मिलती है, जो बच्चों के ऊपर पड़ती है लेट चाइल्डहुड पीरियड में। तो चलिए एक एक करके हम उन इफेक्ट्स के बारे में कुछ बातें करते हैं। पहला अगर हम इफेक्ट देखते हैं तो चिल्ड्रंस वर्क इन स्कूल एंड देयर एटीट्यूड्स टुवर्ड स्कूल आर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द रिलेशनशिप विद फैमिली मेंबर्स। तो बच्चे जैसा भी स्कूल में वर्क करते हैं या उनका जो एटीट्यूड होता है स्कूल के प्रति, वो बहुत ज़्यादा ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड होता है फैमिली मेंबर्स के रिलेशनशिप जो उनकी बनती है अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, वो उनको बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है जिससे वो अपने स्कूल के प्रति एक पर्टिकुलर एटीट्यूड और बिहेवियर उनके अंदर डेवलप होता है। जैसा कि हम देख सकते हैं, अगर बच्चे की होलसम फैमिली है, होलसम हैप्पी फैमिली रिलेशनशिप है, तो इट लीड्स टू मोटिवेशन टू अचीव। तो क्या होता है, वो बच्चों के अंदर अचीवमेंट की मोटिवेशन लेके आती है कि स्कूल में हमको हर चीज़ को अचीव करना है। वाइल अनहोलसम अनहैप्पी रिलेशनशिप जो होती है फैमिली रिलेशनशिप्स, उसमें इट कॉज इमोशनल टेंशन विच यूजुअली हैव अ डेट्रीमेंटल इफेक्ट ऑन अ चाइल्ड्स एबिलिटीज टू कंसंट्रेट एंड टू लर्न। तो अगर अनहैप्पी या फिर हम कह सकते हैं अनहोलसम फैमिली रिलेशनशिप बच्चे की होती है अगर अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, तो वो एक तरह का इमोशनल टेंशन बच्चे के अंदर क्रिएट करती है, एंड इट इज वेरी डेंट्रीमेंटल, इट गिव्स वेरी डेंट्रीमेंटल इफेक्ट टू द चाइल्ड इन देयर एबिलिटीज टू कंसंट्रेट एंड टू लर्न। तो इस तरह के गिरावट हमें देखने को मिल सकते हैं अगर अनहैप्पी फैमिली रिलेशनशिप बच्चे की है। तो अगर हम सेकेंड इफेक्ट की बात करें कि किस तरह से फैमिली रिलेशनशिप इन्फ्लुएंस करती है चाइल्ड के डेवलपमेंट या चाइल्ड के ओवरऑल पर्सपेक्टिव पर, तो वो है फैमिली रिलेशनशिप अफेक्ट सोशल एडजस्टमेंट्स आउटसाइड द होम। बच्चे का जो जिस भी प्रकार का घर से बाहर आउटसाइड द होम सोशल एडजस्टमेंट है, उसके लिए भी फैमिली रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है। व्हेन फैमिली रिलेशनशिप्स आर फेवरेबल, चिल्ड्रन सोशल एडजस्टमेंट्स टू पीपल आउटसाइड द होम आर बेटर देन व्हेन द फैमिली रिलेशनशिप्स आर स्ट्रेसफुल। अगर बच्चे का जो फैमिली रिलेशनशिप है वो फेवरेबल है, तो बच्चे का सोशल एडजस्टमेंट्स दूसरे लोगों के साथ आउटसाइड द होम काफ़ी अच्छा बनता है, बहुत बढ़िया बनता है, बेटर बनता है। और अगर फैमिली
रिलेशनशिप जो है स्ट्रेसफुल है, तो बहुत ही उसके सोशल एडजस्टमेंट्स बाहरी लोगों के साथ भी अच्छे नहीं डेवलप हो पाते हैं, नहीं बन पाते हैं, तो इस तरह का इफेक्ट हमें देखने को मिलता है। थर्ड, अगर हम इफेक्ट की बात करें तो दैट इज द रोल प्लेइंग इन द होम सेट्स द पैटर्न फॉर रोल प्लेइंग आउटसाइड द होम। तो जो होम जो घर में एक पैटर्न सेट किया जाता है रोल प्लेइंग का, वही बाहर भी उसी प्रकार से पैटर्न जो है वो बच्चे देखने लगते हैं। द रीजन फॉर इज दैट द रोल्स चिल्ड्रन लर्न टू प्ले इन द होम एंड द काइंड ऑफ रिलेशनशिप्स दे हैव विद देयर सिबलिंग्स फॉर्म द बेसिस फॉर देयर रिलेशनशिप्स विद पीयर्स आउटसाइड द होम। तो यहाँ पे क्या है कि जिस भी प्रकार का उनको रोल प्ले घर में करने को बोला जाता है, एक पैटर्न जो उनकी सेट कर दी जाती है, जैसा कि अपने सिबलिंग्स के साथ या अदर फैमिली मेम्बर्स के साथ, तो उसी प्रकार से वो अपने रिलेशनशिप अपने पीयर ग्रुप के साथ भी आउटसाइड द होम वो उसी प्रकार से उसी रोल प्लेइंग के हिसाब से जैसा वो घर में सेट हुए हैं उसी प्रकार से वो अपने पीयर के साथ भी डेवलप करते हैं। एंड दिस इन टर्न इन्फ्लुएंसेस चिल्ड्रंस पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर टुवर्ड्स देयर पीयर्स। तो इस तरह से ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है चिल्ड्रन के पैटर्न्स को जो वो बिहेव करते हैं अपने पीयर्स वगैरह के साथ आउटसाइड द होम। नेक्स्ट अगर हम बात करें फोर्थ इफेक्ट की, तो दैट इज द टाइप ऑफ चाइल्ड ट्रेनिंग मेथड। चाइल्ड ट्रेनिंग मेथड जो घर में इस्तेमाल किए जाते हैं वो भी बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं बच्चे के रिलेशनशिप को बनाने में। एंड इट इज यूज्ड इन द होम इन्फ्लुएंसेस द रोल प्लेइंग ऑफ ओल्डर चिल्ड्रेन। और वो जो बच्चे के साथ घर में इस्तेमाल किए जाते हैं वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं जिस प्रकार से बच्चा उस घर में रोल प्ले करता है। अगर हम देखें कि व्हेन अथॉरिटेरियन चाइल्ड ट्रेनिंग मेथड्स आर employed in the home, अगर authoritarian child training method घर में इस्तेमाल किया जा रहा है बच्चों के साथ, तो children learns to be followers। तो children क्या है, किसी के भी follower बनने में ज़्यादा believe करते हैं, क्योंकि उनको authoritarian parenting मिली है या discipline training methods के अनुसार उनको चलाया गया है, तो they become the followers। Often discontented followers as they are in their relationship with their parents। यहाँ तक कि followers वो भी discontented, क्योंकि उसी हिसाब से वो अपने पेरेंट्स के साथ उनकी रिलेशनशिप बनी हुई रहती है। वहीं पे अगर हम देखें कि डेमोक्रेटिक चाइल्ड ट्रेनिंग मेथड्स को ऑन द अदर हैंड अगर हम देखते हैं, तो इट इनकरेज द डेवलपमेंट ऑफ लीडरशिप एबिलिटी। तो डेमोक्रेटिक अगर ट्रेनिंग मेथड के अनुसार बच्चे की ट्रेनिंग घर पे होती है या उसका रिलेशनशिप अपने पेरेंट्स के साथ उस वे में होता है, तो बच्चे के अंदर जो है एक लीडरशिप की एबिलिटी हम देख सकते हैं कि डेवलप होती है। फिफ्थ, अगर हम इफेक्ट्स की बात करें, तो होम ट्रेनिंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्स रोल टाइम। घर पे जिस प्रकार की होम ट्रेनिंग होती है वो बच्चे के सेक्स रोल टाइपिंग में भी बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होती है कि बच्चे के अंदर सेक्स रोल सेक्स को लेके किस तरह से सेक्स रोल टाइपिंग हुई है। व्हाट सेक्स रोल स्टीरियोटाइप चिल्ड्रन लर्न एंड हाउ वेल दे लर्न टू परफॉर्म देम आउटसाइड द होम इज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द होम ट्रेनिंग दे हैव रिसीव्ड। बच्चे किस प्रकार से अपना सेक्स रोल स्टीरियोटाइप लर्न करे रहते हैं या कितने अच्छे तरीके से वो परफॉर्म करते हैं अपने सेक्स रोल एप्रोप्रिएटनेस को आउटसाइड द होम, ये बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होती है कि किस प्रकार की होम ट्रेनिंग वो घर पर रिसीव किए हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें सिक्स्थ इफेक्ट की, तो वो है चिल्ड्रंस एस्पिरेशंस एंड अचीवमेंट्स इन डिफरेंट एरियाज ऑफ देयर लाइव्स आर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय देयर पेरेंट्स एटीट्यूड्स। बच्चों के किसी भी प्रकार का एस्पिरेशन जो बच्चों के अंदर होता है या अचीवमेंट्स वो करते हैं अपने लाइफ के डिफरेंट एरियाज में, वो बहुत ज़्यादा ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड होती है कि पेरेंट्स का एटीट्यूड्स बच्चे की तरफ किस प्रकार का है। फर्स्ट बॉर्न जैसे कि अगर हम देखें या फिर ओनली चाइल्ड जो होते हैं अपने पेरेंट्स के, दे यूजली कम अंडर मोर प्रेशर टू अचीव देन लेटर बॉर्न चिल्ड्रेन। उनके अंदर अचीव करने के लिए मतलब पेरेंट्स का बहुत ज्यादा प्रेशर होता है जितना कि लेटर बॉर्न चाइल्ड के ऊपर नहीं होता है। एंड आर गिवन मोर एड एंड एनकरेजमेंट टू अचीव द गोल्स देयर पेरेंट्स सेट फॉर देम और दैट देयर पेरेंट्स इंकरेज देम
टू सेट फॉर themselves. तो और उनको ज्यादा एड प्रोवाइड किए जाते हैं जिससे वो ज्यादा से ज्यादा अपने गोल्स को अचीव कर सकें जो कि पेरेंट्स उनके लिए सेट करके रखे हैं. इवन पेरेंट्स उनको इसलिए भी इंकरेज करते हैं कि वो खुद के लिए भी कुछ अपना गोल्स अचीव करें, गोल सेट करें और उसको अचीव करने के लिए फोकस्ड हों. तो ये पेरेंट्स का जो एटीट्यूड्स होता है वो बच्चे के अचीवमेंट और एस्पिरेशंस पे बहुत ज्यादा अपना ग्रेटली इन्फ्लुएंस डालता है. नेक्स्ट अगर हम सेवेंथ इफेक्ट की बात करें तो वो है वेदर चिल्ड्रेन विल बी क्रिएटिव और कन्फर्मिस्ट इन देयर बिहेवियर इज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय देयर होम ट्रेनिंग. बच्चा या तो क्रिएटिव होता है या फिर वो कन्फर्मिस्ट होता है, दूसरे की बातों में हमेशा कन्फर्मिटी रखने वाला होता है. अपने बिहेवियर में कन्फर्मिटी या क्रिएटिविटी जिन भी बच्चों के अंदर दिखाई देती है, द बोथ आर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द होम ट्रेनिंग विच दे रिसीव. जैसे कि अगर हम डेमोक्रेटिक चाइल्ड ट्रेनिंग मेथड्स की अगर यहाँ पे एग्जांपल लेके बात करें तो हम देखते हैं कि वो बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी को काफी इंकरेज करता है. अगर वहीं पे हम अथॉरिटेरियन मेथड्स का देखें तो वो बच्चों के अंदर कन्फर्मिटी के तरफ फोस्टर करता है बच्चों को. नेक्स्ट और अगर लास्ट एर्थ इफेक्ट हम देखें कि फैमिली रिलेशनशिप किस प्रकार से बच्चों पर अपना इफेक्ट डालती है, इन्फ्लुएंस करती है, तो वो ये है कि जो भी डेवलपमेंट हम फैमिली रिलेशनशिप के थ्रू हम बच्चों के अंदर देखते हैं, कोई भी इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता है जितना कि ये जो फैमिली रिलेशनशिप्स हैं वो बच्चे के डेवलपिंग पर्सनालिटीज पर जितना अपना असर छोड़ता है. मतलब बच्चे के अंदर जिस प्रकार की पर्सनालिटी ट्रेड्स या पर्सनालिटी डेवलप हो रही हैं उस पर फैमिली रिलेशनशिप्स बहुत ज़्यादा अपना ग्रेटर इन्फ्लुएंस डालता है. जैसे कि वॉट ओल्डर children think of themselves is a direct reflection of what they believe different family members think of them. जैसे कि older children अपने बारे में क्या मतलब सोचते हैं, अपने बारे में किस प्रकार का concept रखते हैं, it is the direct reflection कि वो ये believe करते हैं कि other family members उनके प्रति किस प्रकार से उनके लिए थिंकिंग रखते हैं, उनके बारे में कैसा सोचते हैं, उसी हिसाब से उनका सेल्फ कॉन्सेप्ट डेवलप होता है खुद के प्रति. एंड एज जज्ड बाय द वे दे आर ट्रीटेड बाय मेंबर्स ऑफ द फैमिली, या फिर वो किस प्रकार से अपनी फैमिली मेंबर्स के थ्रू जज किए जाते हैं या फिर ट्रीट किए जाते हैं, तो इन सब आधारों पे उनका पर्सनालिटी सेल्फ कॉन्सेप्ट का डेवलपमेंट होता है. अगर फैमिली डेमोक्रेटिक है, ट्रेनिंग मेथड्स यूज कर रही है, अगर फैमिली में रिलेशनशिप बहुत फेवरेबल्स हैं, एक दूसरे का अच्छा सामंजस्य एडजस्टमेंट बना हुआ है, तो बच्चे की पर्सनैलिटी बहुत ही ज़्यादा बोल्ड और बहुत ही ज़्यादा ओपन ट्रेट्स के साथ होती है. और अगर वहीं पे अनफेवरेबल कंडीशंस अगर हैं या रिलेशनशिप्स डेट्रीमेंटल हो रही है किसी भी कारण से, तो बच्चों के पर्सनालिटी भी डिटेरिएट हो जाती है और वो बहुत ही ज्यादा हम कह सकते हैं बस फॉलोअर बन के रह सकते हैं. अचीवमेंट उनकी लो देखने को मिलती है, किसी के भी प्रति वो कन्फर्मिस्ट होने पे ज्यादा फोकस करते हैं. तो इस तरह के मतलब कुछ ड्रॉबैक्स अनफेवरेबल कंडीशंस के होने के वजह से उनके पर्सनालिटी में देखने को मिलती है. तो यहां इस तरह से हम इस सेशन में अच्छे से समझ पाए कि किस तरह से फैमिली रिलेशनशिप किसी भी बच्चे के हर एक डिफरेंट स्फीयर ऑफ लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट होता है. फेवरेबल फैमिली रिलेशनशिप्स, अगर वहीं पे अनफेवरेबल या अनहोलसम फैमिली है तो वो इस किस तरह से बच्चे के ऊपर अपना डेट्रीमेंटल इफेक्ट्स डालती है बच्चे के हर डिफरेंट एरियाज ऑफ लाइफ में और खास करके उसके ओवरऑल पर्सनैलिटी पर. तो हमें इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि घर में फैमिली मेंबर्स के साथ बच्चे का अच्छा एडजस्टमेंट हो और गुड रिलेशनशिप्स डेवलप हो. तो जहां पे हमारी कुछ कमियां हैं हमको पूरी करनी चाहिए और बच्चे के हिसाब से बच्चे को एक सही रास्ता दिखाना चाहिए, एक दोस्त बन के रहना चाहिए जिससे हम अपना और बच्चे का रिलेशनशिप जो है पेरेंट्स और चाइल्ड का रिलेशनशिप बहुत ही स्ट्रांग और बॉन्ड बहुत अच्छा बने, घर का एनवायरनमेंट अच्छा बने जिससे कि बच्चे की ओवरऑल पर्सनालिटी काफी अच्छी और काफी डेवलप हो सके. तो
I hope you get the good information with this video. If you like it, please give a like. If you have any comment, any query, any question, please give it to the comment box, and I'll surely be reply with all your queries, and I'll be back with the next good informative videos for you. And thank you very much for watching this video till the end. And one thing more, if you still haven't subscribed my channel, please subscribe it to get these informations later on also. And till then, please take good care of yourself. Bye-bye.